नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय कंस्ट्रक्शन लाइन चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि जो हम लोग जो फ्रेम बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, संडास बाथरूम का समझ लीजिए या बेडरूम का समझ लीजिए, ग्रेनाइट के जो हम दरवाजे बनाते हैं, वो कम समय में ज़्यादा दरवाजे कैसे फिट करें, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा उसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप ट्रिक से यूज करेंगे तो उसमें क्या फटाफट काम होता है और टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए, आज मैंने 6 दरवाजे बनाए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कि ग्रीन मार्बल के हैं। 6 दरवाजे बनाए हैं मैंने अकेले ने, और यानी लगभग 4 बजे तक मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लेवल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, पहले ये दड़े, ऐसे दड़े, ठिया, जो भी आप बोलते हैं, ये एक लेवल में पहले आप, अभी थोड़ा सा इन पे सीमेंट गिरी हुई है जो दड़े नहीं दिख रहे, ये देखिए इस साइड दिख रहे, ये आप लेवल का निशान मार के यहाँ ऐसे इस साइड और इस साइड दोनों तरफ दीवार को सीमेंट की तरी मार के और उस पे लेवल का निशान एक बार सबको लेवल का निशान लगा दीजिए, और इस साइड भी सेम ऐसा। ये संडास बाथरूम है, जो कि जनरली संडास बाथरूम है, यहाँ जो विवाह स्थल है उसके ये संडास बाथरूम है, तो इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा फ्रेम दिख रही है, और दोनों तरफ एक साइड संडास है और एक साइड बाथरूम है। तो इस टाइप के यदि आपके पास कोई फ्रेम फिट करने का आपको चांस मिले, और ऐसा ना भी मिले तो भी बंगले में जनरली फ्रेम तो होती ही है, दरवाजे, बेडरूम के हैं, संडास बाथरूम के हैं, तो आप पहले ये दड़े मार लीजिए, तो इससे क्या टाइम वेस्ट नहीं होता है, और सेम माप में दड़े बना लीजिए। और फिर ये जो पट्टी दिख रही है ऊपर, आप देख लीजिए सबकी जो लेंटर ये लेवल है उसमें, आप पहले उसका मेजरमेंट देख लीजिए कि सब में एक ही लेवल में दरवाजे बनते हैं, तो उसी हिसाब से फिर सब पट्टियों को पहले आप बाहर एक साइड ऐसा खुली जगह में आराम से सब पट्टियों को काट लीजिए, काट के रख दीजिए, और उसके बाद में ये जो पीछे की 4 इंची की पट्टी यूज होती है, बाहर 3 इंची की पट्टी यूज होती है, तो पहले 4-4 की पट्टियाँ सब खड़ी कर दीजिए, और उसके बाद में 3 इंची की पट्टी खड़ी कर दीजिए। ये देखिए, इसमें हमने क्या किया है, ये पट्टी हमने सीमेंट से पहले लगा दी 4 इंची की, और फिर हमने सेम यहाँ जितना ये मेजरमेंट है उतना ही ये नीचे का मेजरमेंट है, तो वहाँ पे इराकनी से मार्किंग करके देखिए, हमने ये टिकली चिपका रखी है जो इसी पत्थर की है वेस्टेज, ये टिकली यहाँ पे फेविकिक से चिपका दी है, और एक यहाँ ऊपर चिपका दी है, ये देखिए। तो अभी ये पट्टी जब लगाएंगे तो अपने को इसका ओलंबा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पट्टी सेम 3 इंची की है, तो अभी डायरेक्ट इस पट्टी को अपन इसको टच कर देंगे नीचे और ऊपर से, और इसको फिट करते टाइम इसके नीचे पहले से एरोडाइट लगा देंगे। और अभी देखिए, यहाँ फिलहाल तो माल भर दिया गया है, लेकिन हम इधर माल नहीं भरते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टेके लगाते हैं सीमेंट के, एक ही ऊपर और एक ऐसा नीचे, और डायरेक्ट इसको लगा देते हैं एरोडाइट से, और ये माल हम दूसरे दिन भरते हैं। कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, इस 3 इंची वाली पट्टी को कभी भी सीमेंट से फिट मत करना आप। कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरा सीमेंट यूज करते हैं, उसे होता यह है कि जब भी ये दरवाजे संडास बाथरूम के ज़्यादा यूज होते हैं, तो इधर उधर जब दरवाज़ा उनको ठोकर लगती है पट्टी को, तो सीमेंट छोड़ देती है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, तो इससे अच्छा ये है कि ये जो माल होता है
जो प्लास्टर का माल होता है उसी माल से इसकी रिपेयरिंग कीजिए। हाँ, अंदर की पट्टी आप सीमेंट से लगा सकते हैं, और यदि केमिकल यूज करते हैं मिक्स में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सीमेंट में लगा सकते हैं। तो अभी इसमें आसान काम यही है कि पहले आप दड़े मार लीजिए और पट्टियों को एक साथ पहले काट लीजिए फिक्स मेजरमेंट से, और उसके बाद में इनको डायरेक्ट खड़ा कर दीजिए और माल दूसरे दिन भर दीजिए। तो इससे फटाफट काम होता है। ये देखिए ऐसी एकदम फिनिशिंग से काम है। ये देखिए आप, ये देखिए देखिए ये देख सकते हैं आप, अभी साफ सफाई चालू है। तो ये देखिए, ये जो ऊपर गैप देख रहे हैं ये ज्यादा है और इसमें कम है, तो ये जो बांध काम है इसमें लेवल में फर्क है। बाकी ये जो दरवाजे हैं सब एक ही लेवल में है। और दूसरा, एक मिनट, हाँ, दूसरा आप क्या कीजिए, कभी भी जैसे आप देख रहे हैं ये दरवाजे हैं, और आपको इनको एक लाइन में बनाना है। मतलब ये जो लाइन है इनकी, अभी आप देखिए, मैं देखो कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और एक लाइन में ये देखिए, ये देखिए इनकी एक दार है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, यहाँ हमने यहाँ एक कील ठोक दिए और दूसरी साइड वहाँ कील ठोक के, और पहले ये डोरी बांध दी है, यानी ये हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है ताकि सीमेंट और टाइल इसमें आसानी से लग जाए। उसके बाद में ये जब पट्टी हमने ये इस साइड ये 4 इंची वाली पट्टी लगाई, तो इसमें यहाँ से हमने इसको टेप से इसको फिक्स कर दिया है। यानी जितना यहाँ पे ये डोरी में यहाँ पे 3 इंच है, उतना ही इस साइड है 3 इंच। जब ये 4 इंची की पट्टी हमने यहाँ फिट की, तो इसमें सेम वही 3 इंच का मेजरमेंट लिया है, और सेम कंटिन्यू आगे भी ऐसा ही सभी दरवाजों में। और फिर जो मैंने बताया टिकली वो चिपका के, और सेम ये पट्टी को इसको एरोडाइट से फिट करके और इधर माल भर दिया गया है। तो ऑटोमेटिक ये सभी दरवाजे एक लाइन में आ गए, यानी डोरी के अंदर आ गए। जब भी यहाँ अभी यहाँ पे टाइल लगेगी तो सेम एक सीधा एक लाइन में दिखेंगे। तो ये एक ट्रिक है, मतलब इन्हीं छोटी छोटी ट्रिकों को मिला के ही आदमी समय की बचत कर सकता है मिस्त्री, और कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है। अदरवाइज आप एक ही पट्टी को लेके बार बार लेवल चेक करेंगे, बार बार उसकी ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो मतलब काम नहीं कर पाएंगे आप। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था तो मैंने बताया। ये देखिए आप, ये 6 फ्रेम है, 6 फ्रेम एक ही दिन में फिट की गई है, जो कि मैंने खुद नहीं की है, और 9 से 4 बजे के बीच में ये पूरा कंप्लीट काम हो गया है। तो इस हिसाब से हम टेक्निक और ट्रिक से काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना। आप लाइक बहुत कम करते हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी लाइक बहुत कम आते हैं, और हो सके तो यार अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके भाई को भी अच्छा लगे, एक मोटिवेशन मिल सके। तो आप मोटिवेशन मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मूड कम होता है वीडियो बनाने का और डालने का, क्योंकि मैं आपके लिए काम भी करता हूँ और काम करके और फिर टाइम निकाल के वीडियो भी बनाता हूँ। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपके कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं, तो प्लीज़ आप हर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगेन थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।